दोस्तों हम लोग अभी मांडू के आखिरी स्पॉट में हम लोग खड़े हैं। पीछे ठीक है, आप लोग देख रहे हैं जामी मस्जिद। मैं आपको बाहर से मैं कवर कराऊंगा क्योंकि समय के अभाव में वो बंद कर दिया गया है। और ठीक उसके सामने है यहाँ पर अशरफी महल, ये भी मैं आपको बाहर से कवर कराता हूँ। यहाँ बाहर से भी काफ़ी भव्य है। तो ये आमने सामने है यहाँ, ठीक ये कौन से पॉइंट में अगर आपने आपके दिमाग में आ रहा होगा तो ये बस स्टैंड जहाँ आपको बस उतारेगा मांडू का, ठीक उसके सामने ही जामा मस्जिद के सामने ही उतारेगा। तो यहाँ रोम करके मैं आपको बाहर से भी काफ़ी अच्छा भव्य नज़ारा दिख रहा है, तो मैं वो कवर करता हूँ आपके लिए। काफ़ी अच्छे पिलर्स वगैरह आप देख सकते हैं बाहर से। इसके अंदर विजय स्तंभ भी है, तो बाहर से मैं कवर करता हूँ। बाहर से भी काफ़ी भव्य नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं। वहाँ तक भी आएंगे तो हम लोग बाहर कवर कर लेंगे, तो ज़्यादा छूटा नहीं है अंदर से भी, क्योंकि बाहर से पूरा विजिबल है। मैं आपको दिखाता हूँ, देख सकते हैं काफ़ी। क्योंकि अभी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जहाज़ महल कवर किए, तो मैं समझता हूँ जहाज़ महल के सामने मैं किसी से कंपेयर नहीं कर सकता हूँ, मैं कंपेयर करना भी नहीं चाहिए, लेकिन ये यहाँ बाहर से हम लोग ये कवर हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा था कि जहाज़ महल हमने कंप्लीट कर लिया, हालांकि वहाँ हमें पहले जाना चाहिए था। ये अच्छी बात है, बाहर से भी हम लोग कवर कर पा रहे हैं, बाहर से पूरा यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो बाहर से भी शानदार नज़ारा है, देखिए दोस्तों बहुत अच्छा। अशरफी महल के सामने घर वगैरह बने हुए हैं, लोग यहाँ रहते हैं। काफ़ी भव्य नज़ारा, लाल पत्थरों से बनाया गया है ये, शायद लाल किले में यही पत्थरों का प्रयोग किया गया। तो ये तो काफ़ी बाहर से भी काफ़ी कुछ देख पा रहे हैं यहाँ। काफ़ी बड़ा है ये, तो मैं बॉर्डर पे ही मैं कवर कर रहा हूँ। वहाँ भी बॉर्डर दिखता है क्या? वहाँ एक एंड में बॉर्डर, एक बार वो भी हम लोग देखते हैं कैसा दिख रहा है। यहाँ तो घर वगैरह शुरू हो गए, इसलिए मैं कवर नहीं करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, आप हमारा चैनल देख रहे हैं हैशटैग जिप्सी मुसाफिर 113। और इस वक्त हम लोग खड़े हैं अशरफी महल जैसम के ठीक आगे। तो मैं आपको बाहर से दिखा रहा हूँ, यहाँ मैं स्लो में दिखाता हूँ आपको। ध्यान से अगर आप देखें तो लाल पत्थरों से बहुत ही शानदार तरीके से नक्काशी किया गया है, आप देख सकते हैं। और आए भैया, ये अंकल जी पूछ रहे कहाँ से आए, तो मैं उनको बताता हूँ। हाँ, यहाँ पर ये हमारा ट्रैवलिंग चैनल है, हैशटैग जिप्सी मुसाफिर 113। अच्छा अच्छा, तो कुछ बताना चाहेंगे आप ये जगह के बारे में, मांडू के बारे में और ये जगह कुछ भी? वैसे यहाँ मैं गाइड हूँ यहाँ पर मांडू के अंदर। अच्छा 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 अच्छा, 45 साल हो चुके हैं। ओके ओके, बहुत बढ़िया सर। अभी अगस्त में मुझे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा सम्मानित किया गया बेस्ट गाइडों में से। ओके, चल तुम इधर जर बुला के दे। आदि आपका शुभ नाम बताएं सर। भोजपाल गाइड मांडव। ओके, और दोस्तों हमारे साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन है जिनका नाम है भोजपाल गाइड मांडू के, जो 45 ईयर से यहाँ पर गाइड के रूप में लोगों को यहाँ पर रास्ता दिखा रहे हैं। और इसी के लिए इनको अभी जैसे इन्होंने बताया, मध्य प्रदेश सरकार ने इनके लिए एक अवार्ड दिया है। और भी बता रहे हैं, हम लोग सुनते हैं भोजपाल जी को।
प्रमाण पत्र भी देख लें आप। यहाँ बताइए सर, दर्शक आपको सुन रहे हैं जी, पूरे विश्व में आपको लोग देख रहे हैं। देखिएगा साहब, मैं सबसे पहले तो यह है कि मांडू जो फोर्ट है सर, फोर्ट का इम्पोर्टेंस कोई व्यक्ति नहीं जानता। एक्चुअली जी जी, फोर्ट का जो कंस्ट्रक्शन जी वो 9th century से 13th century के बीच का है। अच्छा, यानी परमा डायनेस्टी का कंस्ट्रक्शन। अच्छा, और 13th century में फोर्ट का नाम भी बताएं सर। जी, मांडू फोर्ट जी, मांडवगढ़ जी। और एक्चुअली 13th century के अंदर यहाँ पर लास्ट हिंदू किंग्स हुए हैं महालक देव जी, और महालक देव के वक्त में मांडू फोर्ट के अंदर जी, करीब जी 3 लाख मकान मौजूद थे। अच्छा, तो एवरेज पीपल हमारे घर से 3 आदमी को भी अगर काउंट करें जी, तो वैसे भी यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो करीब 1 मिलियन हो जाती है। अच्छा, तो 13th century के अंदर साहब मांडू दुनिया का सबसे घनी आबादी वाला शहर, क्योंकि उस वक्त में इतनी आबादी वाला शहर और कहीं नहीं था जी। सेकंड नंबर पर आता था इराक के अंदर जो बसरा है। अच्छा, बसरा की आबादी थी 5 लाख जी, और उस वक्त में दिल्ली की आबादी थी मात्र जी जी। फोर्ट के अंदर जब 1 मिलियन पॉपुलेशन जी, तो फोर्ट के अंदर करीब 400 जैन मंदिर थे, और ये जैनियों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल था और आज भी है, और 300 वैष्णव संप्रदाय के मंदिर थे। टोटल मतलब फोर्ट के अंदर 700 टेम्पल्स थे जी। जब प्री मुगल्स 14th century में मालवा पर अटैक करते हैं, अच्छा, तो लोग मंदिरों को डिस्ट्रॉय करके मस्जिद, मकबरे, अच्छा, और शिकारगाह वगैरह बना देते हैं जी। तो अभी आप लोगों ने फोर्ट के अंदर देखा, वो छोटे छोटे जो खंडर हैं वो इस प्रकार के 3600 रुइंस फोर्ट के अंदर एट प्रेजेंट में मौजूद है। अच्छा, तो खंडरों में भी सब ये दुनिया का सबसे बड़ा शहर है, क्योंकि एट प्रेजेंट में इतनी रुइंस वाली सिटी और कहीं नहीं है। तो 13th century के अंदर साहब यहाँ का बड़ा अच्छा नियम जी, कि जब भी कोई व्यक्ति आउटसाइड से मांडू में रहने के लिए आया करता था, अच्छा, तो उस व्यक्ति को इस्टेब्लिश करने के लिए जी हर एक घर से 1 रुपया और एक मकान बनाने के लिए ईंट दी जाती थी। अच्छा, इस प्रकार से मांडू को 48 square mile के एरिया में बसाया गया था। तो ये मांडू जो है ना साहब, ये दुनिया का सबसे बड़ा फोर्ट है, फर्स्ट लार्जेस्ट फोर्ट इन वर्ल्ड। सर, ये मांडू फोर्ट जो एग्जैक्ट बोल रहे हैं, एक बार दर्शकों को क्लियर करें कि कहाँ पर बोल रहे हैं मांडू फोर्ट। अभी आप फोर्ट के अंदर है और मैं भी फोर्ट के अंदर हूँ। अच्छा, मतलब ये जी जी, वो ही क्लियर करें जी जी। मांडू जो फोर्ट है ना सर जी जी, फोर्ट की बाउंड्री जी भंगी गेट से स्टार्ट होकर आपने देखा होगा। हाँ, वहाँ पर स्टार्टिंग में 2-3 गेट को क्रॉस करते हुए आप आए जी 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 जी। तो उसमें फर्स्ट गेट आलमगीर गेट। अच्छा, हाँ हाँ जी, आलमगीर यानी औरंगजेब। अच्छा, और जिस वक्त में औरंगजेब जी दक्षिण भारत यानी महाराष्ट्र विजय करने के लिए जाते हैं जी, तो उनके पास में काफी धन था। अच्छा, तो वो अपने नाम से आलमगीर गेट का कंस्ट्रक्शन जी 1668 AD में करके जाते हैं। अच्छा, उसी के बाद में आप लोगों ने देखा होगा सेकंड गेट भंगी जी, गेट। जी 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 जी, भंगी गेट से जी मांडू जो फोर्ट है ना सर जी, फोर्ट की बाउंड्री स्टार्ट होती है, चारों ओर से घूम कर फोर्ट बाउंड्री वहीं पर जाकर खत्म हो जाती है। ओके, तो भंगी गेट के जो कंस्ट्रक्शन है वो 9th century का है। अच्छा, राजा मुंज जी, ये राजा भोज के चाचा। अच्छा, और भंगी गेट इसलिए उसका नाम दिया गया है कि भंगी के मुहूर्त को शुभ माना जाता है। अच्छा, तो बताया जाता है कि वहाँ पर एक स्वीपर के द्वारा फाउंडेशन स्टोन रखा कर उस गेट का कंस्ट्रक्शन किया गया था। अच्छा, तो जब भी कोई, इसलिए वो भंगी गेट है। अच्छा, जब भी कोई व्यक्ति मांडू फोर्ट के अंदर आएगा तो उसका मुहूर्त शुभ माना जाए। अच्छा, इसलिए उसका नाम रखा है भंगी गेट। ओ, क्या बात है साहब। तो 13th century के अंदर साहब, मतलब वहां से शुरू हो गया आखिरी तक, मतलब आप जो रूपमती महल और उसके आगे, ये मतलब पूरा हम लोग फोर्ट के अंदर है। फोर्ट के अंदर ये है। अच्छा अच्छा, ओके साहब। और फोर्ट के अंदर अलग अलग हम लोग पॉइंट देख पा रहे हैं। देखिए साहब, दुनिया में ऐसा साइट सीन कहीं नहीं है। अच्छा, जैसा मांडू के अंदर जी, यहाँ की जो साइट सीन है वो 3 ग्रुप के अंदर डिवाइड। अच्छा, जैसे फर्स्ट ग्रुप रेवाकुंड ग्रुप जी, रेवाकुंड ग्रुप में रूपमती पैवेलियन जी, बाज बहादुर पैलेस जी, इको पॉइंट जी, मलिक मुगिद की मस्जिद जी, कैरावन सराय ठीक, दरिया खान टूम्स जी, नीलकंठ टेम्पल जी। उसके बाद में सेकंड जो ग्रुप आता है वो आता है विलेज जी, जिसमें अभी आप खड़े हैं, आपके पीछे जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है जी, ये अशरफी महल जी जी। और सेकंड ग्रुप में जो विलेज ग्रुप के अंदर जी, अशरफी महल जी, जामी मस्जिद जी जी, जामी मस्जिद, अच्छा, होशंगशाह टूम्स जी, श्री राम मंदिर। और उसके बाद में थर्ड जो ग्रुप है जी, वो रॉयल इनक्लेव। अच्छा, और रॉयल इनक्लेव में करीब करीब 8 मॉन्यूमेंट्स हैं। अच्छा, जैसे
जहाज महल, हिंडोला महल जी, चंपा बावड़ी जी जी, हमाम, रॉयल पैलेस, तवेली महल, हम दिलावर खान मॉस, थिएटर हॉल, जल महल, ऐसे करीब 8 मॉन्यूमेंट्स से। और ये देखिए साहब कि आप जब रॉयल कॉम्प्लेक्स के अंदर गए होंगे जी, गए हैं देखा जी जी, अंदर थिएटर हॉल जी, देखा जी जी, थिएटर हॉल देखा, लेकिन वो काफी वो रुइन हो गया, तो थोड़ा सा वो क्लियर जी जी उसको क्लियर करें जी जी। तो थिएटर हॉल जो है ना साहब इंडिया का, अच्छा वो फर्स्ट थिएटर हॉल जी जी, इंडिया में से पहले कहीं भी अच्छा थिएटर हॉल का स्थापना नहीं हुई। ओके। और ये पहला थिएटर हॉल है, ये हिंदू कंस्ट्रक्शन, अच्छा क्योंकि हिंदू किंग्स जी नाटक कविता जी इनका प्रोग्राम वहाँ पर क्या करते थे, जो उनके मनोरंजन के साधन थे। अच्छा। इस्लाम में थिएटर को जगह नहीं दी गई। अच्छा। और इस प्रकार के इजिप्ट के अंदर करीब 50 से 60 थिएटर आज भी वहाँ पर मौजूद है। अच्छा, ये थिएटर में क्या हो रहा था, कैसे नाटक, पूरे नाटक उसी समय से? हाँ, उस समय के। तो ये मतलब कल्चर प्रोग्राम वगैरह ये होते थे। अच्छा। तो अब 13 सेंचुरी के अंदर यहाँ का बड़ा अच्छा नियम जी, कि जब भी कोई व्यक्ति जी आउटसाइड से मांडू में रहने के लिए आया करता था, ओके, तो उस व्यक्ति को एस्टेब्लिश करने के लिए हर एक घर से एक रुपया, अच्छा, और एक मकान बनाने के लिए ईंट दी जाती थी। ओ, इस प्रकार से मांडू को 48 स्क्वायर माइल के एरिया में बसाया गया था। 48 स्क्वायर माइल अगर किलोमीटर में करें तो 72 स्क्वायर किलोमीटर। अच्छा, 72 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जी। और तो इसके चार नाम रह चुके हैं। अच्छा। मांडू के जी, सबसे पहले मंडप दुर्ग जी, उसके बाद में जब राजा भोज के द्वारा मांडू को अपना आर्मी कैपिटल बनाया जी, तो उन्होंने मांडू के नाम को चेंज किया, तो उन्होंने मांडू का नाम रखा मंडपांचल। ओके। 12 और 13 सेंचुरी के अंदर मांडू का नाम था मांडवगढ़, जो एट प्रेजेंट में। ओके। और जब मुस्लिम सम्राट मांडू आए तो उन्होंने मांडू के नाम को चेंज किया। अच्छा। तो मांडू के नाम को चेंज करने में सबसे बड़ा जो योगदान है वो सुल्तान ग्यासुद्दीन खिलजी का रहा है। अच्छा। सुल्तान ग्यासुद्दीन खिलजी जी, जिस वक्त में उन्होंने भगवान कृष्ण के बारे में ये सुना जी, कि भगवान कृष्ण की 16,108 गोपियां हैं। अच्छा। तो सुल्तान स्वयं ये बात बोलता है कि मैं अभी लॉर्ड कृष्ण का रिकॉर्ड ब्रेक करूंगा। अच्छा। तो बताया जाता है कि 80 वर्ष की उम्र में उनके दरबार में करीब 15,000 बैग में हो जाती है, तो मांडू को औरतों के शहर में बदल देते हैं, तो मांडू का नाम रखते हैं उर्दू के अंदर सादियाबाद। अच्छा। जिसे हिंदी में हम लोग कहें आनंद नगर जी, और इंग्लिश में सिटी ऑफ जॉय के नाम से कहा जाता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मैं बोधराम जी को, मैं भोजपाल जी को मैं धन्यवाद कहता हूँ, इतना शानदार जानकारी दिया। दर्शकों देखिए, इतना बेहतरीन जानकारी आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। आप बिल्कुल हमारा चैनल जरूर देखें पूरा अंत तक वीडियो। आप हमारा चैनल देख रहे हैं हैशटैग जिप्सी मुसाफिर 113। और मैं हमारे आदरणीय गाइड साहब को मैं धन्यवाद कहता हूँ, बहुत अच्छा आपने बताया। वो प्रशस्ति पत्र दिखा दे, प्रशस्ति पत्र को इनको एक मध्य प्रदेश में प्रशस्ति पत्र भी दिया गया है दोस्तों, वो भी मैं यहाँ पर एक बार दिखाना चाहता हूँ, भोजपाल जी दिखाना चाहते हैं तो सम्मानित किया गया। 4 जी जी जी, बहुत बढ़िया, बधाई देता हूँ आपको जी जी जी। पर्यटन मंत्री कलेक्टर, अरे वो ला देना जरा, आइए साहब यहाँ, थोड़ा सा यहाँ भी आइए, भोजपाल जी तब तक जी, ये थोड़ा व्यू चेंज देखिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर प्रशस्ति पत्र देख पा रहे हैं आप, जो मध्य प्रदेश सरकार ने इनको, अब बताइए सर एक बार जी, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की ओर से जी मुझे ये जो प्रशस्ति पत्र दिया गया है जी, मध्य प्रदेश किया गया है, और ये बहुत बड़ा मेरे को उपहार है। देखिए ये सर, इसको एक मिनट बाबा को दीजिए, ले बेटा आइए एक मिनट, चलते चलते 2 मिनट इसी को क्लोज कर दें। देखिए दोस्तों यहाँ पर भोजपाल जी यहाँ पर इतना शानदार 45 सालों से देखिए इतना शानदार लोगों को गाइड कर रहे हैं यहाँ पर, और इससे बढ़कर कुछ भी नहीं हो सकता कि लोग एक दूसरे को राहत दिखाएं, क्योंकि अभी इन्होंने जो इतनी शानदार जो गुड़ भरी बातें कही है आपको किताबों में भी मैं उम्मीद करता हूँ नहीं मिलेगी, क्योंकि इतना शानदार इन्होंने बताया। मैं 5 मिनट में मुझे आश्चर्यचकित हो जा रहा है कि कितना शानदार यहाँ मंडू के 4 नाम इन्होंने बताए, और ये आप वीडियो को बार बार देखिएगा, अगर आप देखेंगे तो जब उसके बाद जब आप मांडू आएंगे तो आपको
हकीकत में पता चलेगा कि आपको मांडू में एग्जैक्टली देखना कहाँ है, आपको कितने अच्छे तरीके से इसको आपको शेयर करना है यहाँ पर। तो मैं भोजपाल जी का मैं धन्यवाद करता हूँ और बधाई देता हूँ, और इसी प्रकार वो लोगों को गाइड करते रहे इसकी शुभकामनाओं के साथ। थैंक यू।